Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल बिक्रम ट्यूटोरियल, जहां पे मैं आप लोग को मैथ, स्पोकन और भी अलग अलग वे में आप लोग को नॉलेज देता हूं। तो आप लोग को इस चैनल को फॉलो करना है। तो चलिए, आज से मैं आप लोग को मैथ का नेक्स्ट सीरीज बताने जा रहा हूं। इसके पहले अनुपात समानुपात का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको टफ लगा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसका सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुका हूं। आज मैं शुरू करूंगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही उम्दा चैप्टर है और हर एक एग्जाम में आता है। ये एसएससी हो, जेएसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी क्षेत्र में आपका ये मैथ का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। और मैं बता दूं कि मैं इतने अच्छे में मैं बताऊंगा आपको मैथ कि आपको कोई भी मैथ एकदम हलवा लगने लगेगा, मतलब आसान लगने लगेगा। देखते ही आप क्वेश्चन को टच कर दीजिएगा, ऐसा मुझे, मैं गारंटी आप लोग को देता हूँ। हर वीडियो में यह बात कभी कभी जरूर बोलता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समय हमेशा होता है कार्य का उल्टा होता है। ठीक है, पहली बात कि समय अगर ज्यादा लग रहा है तो काम आपका कम हो पा रहा है। अगर कार्य बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब समय बहुत कम लग रहा है। इसीलिए तो याद रखिएगा, कार्य जो होता है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। यानी कार्य समय का उल्टा होता है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर x घंटे में, यानी एक घंटे में अगर हम मान लेते हैं एक घंटे में x कार्य होता है, तो एक कार्य कितना में हो जाएगा बताइए। तो एक कार्य कितना में हो जाएगा, तो एक कार्य हो जाएगा आपका 1/x घंटे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूं यही चीज, अगर हम बोले कि x घंटे में एक कार्य हो रहा है, तो एक घंटे में क्या हो जाएगा, एक घंटे में हो जाएगा 1/x कार्य। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिए कुछ जानना, ज्यादा कुछ नहीं जानना, मैं सवाल के थ्रू वो सारे चीजों को समझाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आता है। बस क्या करना है, पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखना है और क्या समझ में नहीं आता है ये जरूर बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले, पहला क्वेश्चन 11 नंबर ही है, जैसे जैसे आएगा मैं बताते चला जाऊंगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि B plus C करता है 12 दिन में पूरा, और C plus A, यानी C और A मिलकर करता है 8 दिन में काम पूरा। साथ ही साथ और कुछ बोला, तीनों मिलकर यानी A plus B plus C मिलके काम कर देता है, कितना में कर देता है, बोलता है 6 दिन में कर देता है। तो बोल रहा है कि A plus B उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम इत्मीनान से बताऊंगा। आज मैं 20 से 21 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक टाइप में हर दिन लेके आऊंगा। अगर 5 टाइप है तो 5 दिन में वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होता है। जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। अब बी प्लस सी इस सभी का सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, और वही एलसीएम क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा पर कार्य। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाएगा 24। यही 24 आपका कार्य हो गया, यही 24 आपका क्या हो गया, कार्य हो गया। तो हम लोग सबका कैपेसिटी निकालते हैं, तो कैपेसिटी निकाले देखिए, 12 दिन में ये 24 कार्य करता, तो एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो एक दिन का कार्य दैट मींस वो क्षमता हो गया उसका। इसका मतलब 12 दिन में 24 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। यानी कह सकते हैं कि बी प्लस सी का जो कैपेसिटी है वो 2 है। उसी प्रकार समझ, पहला बात को आप समझे होंगे गहराई से, एक बात को पहले आप गहराई से समझिएगा तो दूसरा बात अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा।
मैं फिर से बोल देता हूं कि 12 दिन में ये 24 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, यानी समय यानी क्षमता कितना हो जाएगा, यानी 24/12, यानी उसका क्षमता हो जाएगा 2, यानी एक दिन में अगर 2 कार्य करता तो 12 दिन में 24 कार्य कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कितना करेगा, ये करेगा 3, क्षमता इसका रह जाएगा, और साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना करेगा, 4 के साथ करेगा। तो हम कह सकते हैं यहां से देखिए क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है अगर b प्लस सी है और यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, तो यहां से निकल जा रहा है आपका a। a कितना दिन में, ये a का क्षमता कितना हो जाएगा, देखिए तो b प्लस सी का अगर क्षमता 2 है और a प्लस बी प्लस सी का क्षमता अगर 4 है, तो a का क्षमता कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई जो भी है, वो आपका जान गए कि a का क्षमता हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में अगर 2 घटा दीजिएगा तो आपका a का क्षमता निकल। उसी प्रकार यहाँ पे देख पा रहे हैं कि b का क्षमता कितना हो जाएगा, तो b का क्षमता हो जाएगा, देखिए c प्लस a है, इसका क्षमता है 3, और a प्लस b प्लस c का क्षमता है 4, तो कह सकते हैं कि a का क्षमता हो जाएगा 1। तो कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस c दोनों मिल, a प्लस b मिलकर के कितना क्षमता हो जाएगा, 3। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस b वो कार्य 24 कार्य करना है, एक दिन में 3 कार्य करता है, तो कितना दिन में वो कार्य कर देगा, तो वो कर देगा 8 दिन में वो काम कर देगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सबसे पहले बात को समझिएगा गहराई से, अगर एक बार अगर आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी सवाल चुटकी में नहीं बना सकते। एक बार मैं आप लोग को फिर मैं अच्छे वे में बता देता हूँ कि किसी भी, देखिए तरीका बहुत सारा है, मतलब लेंथी भी तरीका है, छोटा भी तरीका, इससे भी छोटा, देखते ही आंसर हो जाएगा ऐसा तरीका है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको वो तरीका मैं बतलाऊं जो कॉन्सेप्ट थ्रू है, और ज्यादा लंबा हम लोगों को नहीं चलना है। तो सबसे पहले देखें कि ए और बी और सी का क्षमता हो गया 2, और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो गया 4, तो यहां से देख पा रहे हैं कि बी प्लस सी और यहाँ पे बी प्लस सी, तो इसका मतलब कह सकते हैं ए की क्षमता कितना, 4 में 2। देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी घटा देंगे तो यही ए प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ए प्राप्त हो गया 2। उसी प्रकार यहाँ पे सी और ए का क्षमता है 3, और ये तीनों मिलाकर क्षमता है 4, तो कह सकते हैं बी की क्षमता 1, यानी हमको पूछना ए प्लस बी का पहले कितना क्षमता है, तो ए प्लस बी का क्षमता है 3। कह सकते हैं कि एक दिन में वो 3 कार्य करता है, तो 24 कार्य करने में वो कितना दिन लेगा, तो 8 दिन लेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 11 नंबर क्वेश्चन है और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आता हूं पहला नंबर सवाल, सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल को गहराई से देखिएगा। बोल रहा है कि दो पुरुष यानी दो मैन किसी कार्य को बोल रहा है एक्स दिन में कर लेता है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि वाई स्त्री जो है, वाई वुमेन जो है, वो कार्य कितना दिन में कर देता है, 8 दिन में कर देता है। तो हम जानते, एक चीज मैं बता देता हूं कि कार्य जो होता है वो बराबर होता है, अगर एक ही चीज, तो कह सकते एक फॉर्मूला होता है कार्य का, कार्य का फॉर्मूला होता है यानी W बराबर होता है MDH, ठीक है, MDH, यानी M मतलब हो गया मैन, D मतलब हो गया डे, और H मतलब हो गया आवर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं M1 D1 H1, ये दो तरह से देख पा रहे हैं कि दो मैन, ठीक है, दो मैन यानी M1, यानी कह सकते हैं M1 D1 H1 बराबर होता है M2 D2 और H2, अगर कार्य दोनों बराबर हो तो कह सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो दो मैन कितना दिन में कार्य करता, X दिन में, यानी ये भी कार्य हो गया, और साथ ही साथ उधर Y वुमेन जो है वो कितना दिन में करता, 8 दिन में, ये भी क्या हो गया आपका, वर्क हो गया, यानी वर्क बराबर वर्क दिया हुआ है, ठीक है, वर्क बराबर वर्क दिया हुआ। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है एक पुरुष, तो एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं मैन और बटी विमेन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा 8y, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो यानी मैन और वुमेन का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4y अनुपात हो जाएगा, 2 से कटा देंगे तो 4y अनुपात x हो जाएगा, दिस इज द आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन ही बोल रहा था कि एक मैन और एक पुरुष के स्त्री के कार्य का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4y is to x। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ जी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई गड़बड़ हो गया क्या, तो लगता है कि हम गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ पे 3 है, ठीक है,
यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तीन है, तो इसके कारण से आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे तीन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे ही तीन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ऊपर में तीन और नीचे में तो हो जाएगा 3y = 2x हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा 3y = 2x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक क्वेश्चन देखिएगा, गड़बड़ गड़बड़ थोड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे तीन डे के बदले 8 डे लिखा गया था। तो यह सब भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कि एक बार अगर मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपका टाइम चला जाएगा। तो आपका उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक मैन और एक वुमेन का कार्य का रेशियो पूछ रहा था और आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और घबराना नहीं है, वीडियो जितना लंबा हो आपको देखना है और हर एक चीज को सीखना है अच्छे वे में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, एक टाइप हर दिन कंप्लीट करेंगे। 32 बोल रहा है कि एक कार्य के 1/4 भाग को कर देता है 10 दिन में, ठीक है, और बी वही कार्य का 1/3 काम जो है वो कर देता है आपका 20 दिन में। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा डाटा लिखने के लिए। अब बोल रहा है कि ए और बी जो है उस कार्य को कितना दिन में मिलके करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, मैं एक बार हमेशा यही चीज बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। सबसे पहले देखिए, 1/4 कार्य अगर 10 दिन में करता है तो एक कार्य कितना दिन में करेगा। तो हम कह सकते हैं एक कार्य करने के लिए इसको 40 दिन का समय लेगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं तो बता देते हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर 1/4 कार्य अगर 10 दिन में करता है तो एक कार्य करने के लिए इसको क्या होगा, 10 × 4/1 करना होगा, उल्टा कर देना होगा। तो कह सकते हैं कि वो 40 दिन में वो कार्य करेगा। तो इस प्रकार समझिएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर समझ गए हैं तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि ये कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अब हम बता चुके हैं कि जब भी दोनों मिलके करेगा इसके पहले कार्य को पता करना होगा, कार्य है तो कितना है। तो ये दोनों का एलसीएम ही कार्य होता है, मानते हैं ऐसा, ये मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120। तो कह सकते हैं एक दिन में ये कार्य यानी कैपेसिटी इसका 3 हो जाएगा और इसका कैपेसिटी 2 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर के जो कैपेसिटी एक दिन का हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इसीलिए जो है दिन कितना लग जाएगा, कार्य बटे आपका क्षमता, तो कितना दिन लग जाएगा आपका, 24 दिन लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आज इतना स्टूडेंट तेज हो चुका है कि कोई भी क्वेश्चन टफ लगता ही नहीं है, तो एकदम आसान है। मैं भी एकदम सिंपल वे में इतनी अच्छी वे में बताऊंगा, बस आपको क्या करना है कि जो बात आपको समझ में नहीं आए वो बात कमेंट करना है। मैं ऐसा वीडियो बना दूंगा काम उसमें कि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बोकस हो, तेज हो, या कितना ही खतरनाक क्यों ना, वो वीडियो देखने के बाद लगेगा कि ना कुछ सिखाए। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा। बोल रहा है ए और बी जो है मिल करके साढ़े एक कार्य कितना कर देता है, 4.5 घंटा में कर देता, और 4.5 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 9/2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर देख रहे हैं कि बोल रहा है बी और सी मिलकर उसी कार्य को क्या कर देता है, बी और सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ बोल रहा है सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को कितना, 2.1/4 घंटे में कर देता है। तो 2×4 = 8, 1 = 9/4 हो जाएगा, 9/4 घंटे में कर देता है। तो बोलता है तीनों वही कार तीनों एक साथ आरंभ कर दे तो कितने समय में पूरा हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर देगा, मतलब कितना घंटे में कर देगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कार्य पता होना चाहिए। तो कार्य आपका कितना हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा देखिए 9, 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9, तो इसका मतलब इसका क्षमता कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 2 क्षमता कैसे हुआ, तो 2 क्षमता होगा, हम बताएं किसी का क्षमता मतलब होता है ये कार्य बटे जो समय है, तो कार्य बटे समय दैट इज क्षमता। तो 9/9/2 जैसे ही कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा, आपका पलट जाएगा ये वाला, तो 2 कार्य हो जाएगा। तो जो नीचे का पार्ट होता है वो ऊपर में आपका गुना हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहां पे कितना क्षमता हो जाएगा, तीन क्षमता, साथ ही साथ इसका क्षमता कितना हो जाएगा, चार क्षमता। अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा ये बात, अगर नहीं आया है ना तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन ऐसा चीज है मैथ में जो आपको समझा नहीं पा रहे हम, तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अब जैसे ही पता चल गया तो हम देख पा रहे हैं कि सब मिला करके ए दो बार टू आ रहा है, सॉरी दो बार ए आ रहा है, देखिए यहाँ पे दो बार ए आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, दो बार सी आ रहा है। तो दो बार ए प्लस बी प्लस सी हम कह सकते हैं कि दो तीन पांच चार नौ हो रहा है, कितना हो रहा है, नौ हो रहा है। लेकिन हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी हम कह सकते हैं, इसका क्षमता कितना हो जाएगा, यानी नौ बटे दो हो जाएगा, इतना कह सकते हैं। यानी इसीलिए कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का समय कितना लगेगा, क्षमता था नौ, सॉरी काम था नौ और इसका क्षमता नौ बटे दो है, यानी कह सकते हैं कि ये काम दो घंटे में कर सकता है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन डफ दिखिए इजी दिखे वो मायने नहीं रखता है, पूर्णांक रहे, पूर्णांक के बाहर रहे, इजी रहे, टफ रहे, कैसे भी रहे, बस चुटकी में आंसर आना चाहिए, मेरा यही एम है। तो आप, मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं जो मेरा वीडियो को देखते हैं रेगुलर देखें, एक एक चीज जो आपको समझ में आएगा ये मैं दावा के साथ बोलता हूं। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब बढ़ते आगे और आगे क्वेश्चन आपको मिलता है 16 के बाद आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर उधर इधर उधर हो गया, जिसके कारण से जैसे जैसे मिलते जा रहा है मैं क्वेश्चन को बताते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू द्वारा बोलता 12 दिन में कार्य पूरा कर लिया था, कितना दिन में पूरा कर लिया था, 12 दिन में। अब आगे बोल रहा है क्यू प्लस आर के द्वारा ये कार्य बोलता 15 दिन में कर लिया जाता है, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। एवं आर प्लस पी जो बोल रहा है कि आर प्लस पी द्वारा जो है वो हो रहा है आपका 20 दिन में आपका कार्य हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी अकेला कितना दिन में करेगा, पी बोल रहा है पी अकेला कितना दिन में कार्य करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको वही करना है तीनों का पहले क्षमता निकाल लिया जाए। तो तीनों की क्षमता निकालने से पहले पहले आपका एलसीएम लेना होगा, 12 15 20 का एलसीएम हमेशा जानते हैं 60 होता है, यही आपका वर्क हो गया। अब क्षमता कितना हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा 5, इसका क्षमता हो जाएगा 4 और इसका क्षमता हो जाएगा 3। उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो बात मैंने पहले बताया अब वही बात अब रिपीट जब होता है तो आपको वो बात समझ में आ जाता है आसानी से। तो यानी कह सकते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर, लेकिन दो बार रिपीट हो रहा है इसमें, इसलिए 2PQ+R बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 9 3 12, यानी कह सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा आपका 6। हमको निकालना है P, तो P देखिए यहाँ पे Q प्लस आर अगर हम इसमें घटा देंगे, Q प्लस आर इसका क्षमता है हमारा देखिए 4, अगर हम घटा दें तो P प्राप्त हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2, कह सकते हैं ये 2 प्राप्त हो जाएगा। और 2 प्राप्त हो गया जैसे ही, तो हम कह सकते हैं समय कितना लगेगा, समय लगेगा आपका 60 क्षमता है और 2 सॉरी 60 वर्क है और 2 इसका क्षमता, तो कह सकते हैं ये 30 दिन में पी अकेले कर देगा। उम्मीद है आसानी से समझ में आया होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं जो बीडी से हिला नहीं। तो बस यही कहूंगा, धैर्य रखना है और हमेशा मैं बोलता हूँ, चाहे स्पोकन में सिखाता हूँ, चाहे मैं केमिस्ट्री सिखाता हूँ, केमिस्ट्री चूंकि मैं वीडियो लाता नहीं हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री किस वे में बताता हूँ। मेरा सबसे बाला बता दें कि मैं जो विक्रम ट्यूटोरियल चैनल है ये एक्चुअली है केमिस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया है, साथ ही साथ मैं अभी तक लगातार हैट्रिक सीटेट पास क्वालिफाई हूँ, बीटेट क्वालिफाई हूँ, साथ ही साथ ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम जो मैं दिया हूँ वो क्वालिफाई हमेशा किया ही किया हूँ। तो बस पेशेंस रखना है, समझना है बात को, इस चैनल को फॉलो करना, इस चैनल में बेहतरीन वीडियो मिलेगा, बस जान लीजिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक एक बात को आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हम अच्छे वे में समझा पाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोलता है ए जो है, ए जो समय लेता है वो बी के द्वारा लिए गए समय से 5 दिन जो है ये कम लेता है। अगर बी लेता है बी समय, तो ए जो है वो बी से 5 दिन कम समय लेता है।
यदि दोनों मिलकर, यहाँ पे दे दिया है कि दोनों मिलकर बोलता है 11.1 बटे 9 दिन में ये पूरा कर देता है, यानी कह सकते हैं 100 बटे 9 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। अब बोलता है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बाय ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है बनाना। अगर हमको बी पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन आपका दिख रहा है कि 15 है, ऑप्शन आपका दिख रहा है 20 है, ऑप्शन आपका दिख रहा है 25 है, ऑप्शन दिख रहा है आपका 30 है। अब हम किसी ऑप्शन को उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन से भी उठाएंगे, ऑप्शन भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर हम बी 15 ले लेते हैं तो आपका देखिए ए कितना दिन में कर देगा, 10 ही दिन में कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर हम ए ले लें 15 20 दिन, तो बी आपका कितना हो जाएगा, आपका सॉरी ए अगर ले लें, अगर ए ले लें आपका 15 दिन, तो बी आपका 10 दिन हो जाएगा, यानी यानी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बी ले लेंगे ना, पहले बी हमको चाहिए, तो बी कितना, अगर हम ऑप्शन ले लें ए 15, तो ए तो कर देगा आपका 10 ही दिन, और 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30, और 30 हो गया, तो कार्य अगर 30 है तो देखिए इससे आपको लगता है कि इससे आ जाएगा आपका, देखते हैं, तो 15 दूना 30 और 10 या 30, यानी आपका ए प्लस बी मिल करके ये कितना दिन में कर देगा, 30 बट्टा हो जाएगा 5, यानी 6 दिन में कर देगा, जबकि ऐसा तो दिया हुआ नहीं था। तो यानी कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, ए का कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ए इज रॉन्ग। आप आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। अगर बी हम ले लेते हैं 20 दिन, और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, तो क्या हो जाएगा 15, और 20 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 60, ठीक है, यानी कह सकते हैं इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा 7, 60 बटे 7 आपका कार्य नहीं है, यानी 60 बटे 7 दिन में ये काम हो नहीं पा रहा है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है कि बी अगर हम ले लें 25 दिन, तो ए अपने आप हो जाएगा आपका 20 दिन, और 20 25 का एलसीएम अगर 100 होता है तो इसका क्षमता हो जाएगा 4, इसका क्षमता हो जाएगा आपका 5, यानी कह सकते हैं कि समय कितना लगेगा, 100 बटे 9 दोनों मिलकर के, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन बी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो ऐसे ही डायरेक्ट हम बना सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार तीन ऑप्शन को हम दिखाए, आप स्पीड में इतना आपको प्रैक्टिस करना है कि आप देखते ही ऑप्शन को पुट करने में दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये ऑप्शन हो सकता है आंसर, ठीक है। उम्मीद है इस तरह से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा नहीं लगा और अगर लेंदी लेंदी आपको समझ में आता है, तो उस तरह का भी मैं लेके आऊंगा, बस घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में बोल रहा है, 15 नंबर में क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11 बटे 19 भाग कर सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी तथा सी बोल रहा है उसी कार्य का 14 बटे 9 भाग पूरा कर, 14 बटे 19 भाग पूरा कर सकता है। और बोलता है कि ए बी और सी के कार्य का अनुपात क्या होगा। तो उम्मीद है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं अगर इसको देखूं, देखिए दो तरीका बहुत है, लेकिन मैं एकदम आसान तरीका बता दूं। सबसे पहले 11 और 14, अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a प्लस बी और फिर b प्लस सी कितना हो पा रहा है, देखिए तो हो रहा है b प्लस सी, तो हम जैसे ही देखेंगे तो हो जाएगा 11 14 हो जाएगा, कितना 11 14 कितना हो जाएगा बताइए, 11 14 हो रहा है आपका 14 10 24 25 बटे 19, लेकिन जो नीचे का पार्ट है उससे अधिक तो हो नहीं सकता, और वो इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि बी दो बार आ चुका है। अगर बी दो बार आ चुका है, यानी कह सकते हैं बी का भाग कितना होगा, बी का भाग होगा 6 बटे 19। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर बी 6 बटे 19 है, तो कह सकते हैं ए का भाग कितना होगा, ए का भाग देखिए यहाँ पे निकल सकता है, ए का भाग कितना हो जाएगा आपका 5 बटे 19। इस प्रकार से कह सकते हैं सी भी कितना हो जाएगा, देखिए तो बी अगर 5 बटे 6 बटे 19 है,
तो आपका सी हो जाएगा, आपका कितना देखिए 14 में आपका 6 चला जाएगा यानी 8/19, यानी कह सकते हैं कि ए कितना हो जाएगा 5/19, बी कितना हो जाएगा आपका 6/19 और सी कितना हो जाएगा आपका 8/19, यानी कह सकते हैं कि रेशियो क्या हो जाएगा 5:6:8 और दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में अगर इस तरह नहीं आया होगा, देखिए बहुत सारे तरीका है, बहुत तरीका है, तरीका एक नहीं है, बहुत सारा तरीका है, तो तरीका बहुत, एक बार फिर से देखिए, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। अगर अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे ए और बी मिलकर के 11/19 कार्य कर रहा, टोटल कार्य 19 है, तो कह सकते हैं 11 कार्य वो कर दिया, तो इसमें क्या है आपका सी कितना में कर देगा, ये सी कर देगा आपका 8/19। यहां से क्या निकल रहा, देखिए तो अगर बी और सी मिलकर के 14 काम कर ही दे रहा है तो ए कितना कर देगा बताइए, ए कर देगा आपका 14 में 19 गया 5/19, यानी कह सकते हैं 8 5 13, यानी ए और सी मिलकर के 8 5 13 हो रहा, तो बी कितना हो जाएगा 6/19। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, एक हो गया 5/19, बी का कार्य हो गया 6/19 और सी का कार्य 8/19। इस प्रकार से भी हम देख पा रहे हैं कि कार्य का अनुपात 5:6:8 हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसी प्रकार से जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो मेथड आपको सूट करे आपके अंदर में, जो आप समझ सके वही मेथड अपनाइएगा। और इस प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन भी का आंसर समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं सोलवे, यानी जो भी जो क्वेश्चन 16 शायद हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितना दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितना दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। और साथ ही साथ ए और सी बोल रहा है कि कितना दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि आपका सी अकेला कितना दिन में कर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है ये तो आप बना ही सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले ही कि तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम आपका हो जाएगा 180, ठीक है, एलसीएम फास्ट वाला लीजिएगा तो 36 5 180 होता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 60 180 होगा और ये 45 4 180 होगा। तो कह सकते हैं कि 2 a+b+c कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 3 8 4 12, यानी 12 हो जाएगा a+b+c का दुगुना, तो a+b+c कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा इसका क्षमता 6 हो जाएगा। लेकिन हमको a+b का क्षमता नहीं निकालना है, निकालना है हमको c का, तो c निकालने के लिए क्या देखिएगा, b+c हमको हटाना है, तो b+c देखिए क्षमता कितना है 3, तो कह सकते हैं कि c की क्षमता है 3, इसीलिए समय कितना लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो काम है 180, क्षमता है 30, 3, तो कह सकते हैं वो 60 दिन में काम पूरा कर देगा। और उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना नहीं जो हमसे नहीं बनेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जितना देर लगे आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। आगे 5 नंबर बोल रहा है a+b बोल रहा है 10 दिन में, ठीक है। आगे बोल रहा है b+c बोल रहा है आपका 6 दिन में, और c+a बोल रहा है आपका 12 दिन में, तो बोल रहा तीनों मिलकर कि कितना दिन में करेगा, तो एकदम सिंपल 10 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 60, तो कह सकते हैं इसका क्षमता हो जाएगा 6, इसका क्षमता हो जाएगा 10, इसका क्षमता हो जाएगा 5। अब 6 10 16 5 21 कितना हो जाएगा, यानी 2a+b a+b+c कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा 21 हो गया ना, उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यानी 21, इसीलिए a+b+c कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 21/2, इसीलिए टाइम कितना हो जाएगा 60/21/2, यानी कह सकते हैं 3 7 21 और 3 20 60, यानी 40/7 कितना होता है, तो होता है 13.1/7, सॉरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 35, 5.5/7। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन एकदम आसानी से फास्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं। अब मैं रफ्तार पकड़ूंगा, अगर क्वेश्चन में दम नहीं मिले तो क्वेश्चन में रफ्तार पकड़ूंगा, और देखिए कितना फास्ट मैं बताता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक्स और वाई किसी काम को, एक्स और वाई कितना दिन में करता है,
30 दिन में करता है और वे 6 दिन साथ में काम करते हैं। बाद में देखते हैं वाई ने शेष काम, वाई ने शेष काम कितना दिन में कर दिया, वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर दिया। कितना में कर दिया, देखिए फिर एक्स छोड़ दिया। अब 6 दिन में, 6 दिन में 7 काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ दिया, वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर दिया। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है? तो 6 दिन साथ अगर शेष काम वो बोल रहा है 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले 6 दिन में वो काम करेगा कितना, तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, एक्स प्लस वाई 30 दिन में मिलके करता है, तो 6 दिन का कार्य की वो कितना करेगा। देखिए दूसरे तरह से भी हम बता सकते हैं, 6 दिन का कार्य कितना होगा, 6 बटे हो जाएगा 30। अगर 1 दिन में वो करता है 1/30 काम, तो ऑटोमेटिक है कि 6 दिन में करेगा। अगर 30 दिन में वो काम करता है तो 1 दिन का कार्य हम निकालने के लिए सीखना होगा, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/30। तो कह सकते हैं 7 में 6 दिन किया, तो 6 दिन में कितना किया, 6 दिन में किया 1/5 कार्य, ठीक है? 1/5 कार्य हुआ, तो दैट मीन्स शेष कितना बचा बताइए, शेष बचा आपका 4/5। कैसे, तो हम थोड़ा बता ही देते हैं, एक कार्य में 1/5 घटा देंगे तो 4/5 कार्य शेष हुआ। लेकिन शेष कार्य जो बोल रहा है, शेष कार्य क्या बोला, शेष कार्य बोल रहा है कि वाई ने क्या कर दिया, शेष कार्य 4/5 कार्य 32 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसीलिए एक कार्य पूरा करने में इसको कितना समय लगेगा, आपका 8 × 5 यानी 40 दिन में अगर वो काम कर दे रहा है, कौन कर दे रहा है, वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये एक कार्य जो है वो कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। कौन कर सकता है, यानी वाई 40 दिन में काम कर, यही तो निकालना था, इसमें तो कुछ था भी नहीं, ठीक है? इसमें तो कुछ था भी नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं था, ठीक है? तो आसानी से ये निकाल सकते थे वाई ने। तो जो जिस तरह बने, देखिए मेथड बहुत सारा है, जिस तरह आपका बनाने मन करे आप बना सकते हो, तो बस कार्य को ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर वो क्वेश्चन आपको अवधारणा में समझ में नहीं आया तो बताइएगा जरूर। ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में कर देता है, 6 दिन में। बी वो अपने आप वो कार्य 8 दिन में कर सकता है, बी अगर कर सकता है आपका 8 दिन में, तो बोलता है ए वो कार्य अकेले कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ए क्षमता निकाल लेते हैं सबका, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो कह सकते हैं इसका क्षमता हो जाएगा 4 और इसका क्षमता हो जाएगा 3, यानी ए का क्षमता कितना हो जाएगा, सीधे टाइम निकाल देते हैं टाइम, तो 24 और ए का क्षमता देखिए 4 में 3 एक गया तो 1, यानी कह सकते हैं 24 दिन में कार्य आराम से कर लेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है? एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये वाला भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ए प्लस बी एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 28 दिन में कर सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है कि 21 दिन में काम कर सकता है, तो सी अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता हो जाएगा पहले इसका कार्य कितना हो जाएगा, 84, और 84 जाए तो ये 28 या 84 और 21 84। कह सकते हैं कि सी का टाइम डायरेक्ट, ठीक है, सी का टाइम कितना हो जाएगा, 84 काम है, और क्षमता देखिए ए प्लस बी प्लस सी में बी ए प्लस बी चला जाएगा तो हो जाएगा आपका सी बचेगा, यानी कह सकते हैं 1, यानी कह सकते हैं सी कितना दिन में कर देगा, 84 दिन में वो काम कर लेगा। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर भी आपका समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर में बोल रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर, रोनाल्ड रोनाल्ड जो है वो बोल रहा है 32 पेज जो है वो करता है 6 घंटे में, कितना घंटा लेता है ये, 6 घंटा। और एक नाम है दूसरा एलन, एलन जो है वो बोल रहा है कि 40 जो पेज है वो कर लेता है 5 घंटा में, तो 5 घंटा में, तो बोल रहा है 110 जो पेज है वो रेनॉल्ड नाम है शायद, रोनाल्ड और एलन मिल, एनल क्या नाम है, एलन, दोनों मिलके कितना देर में कर देगा। तो आसान है क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखिए दोनों का टाइम ठीक कर लेना चाहिए। अगर ये करता देखिए 5 घंटे में 40 पेज करता है, तो 6 घंटा में कितना कर देगा, ये 6 घंटा में कर देगा 48, ठीक है, 48 पेज।
क्लियर कैसे हुआ देख लीजिए, अगर 5 घंटे में 40 पेज तो 6 घंटे में हो जाएगा, पहले 1 घंटे में कितना हो जाएगा 8 पेज, अतः कह सकते हैं 6 घंटे में 48 पेज हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि दोनों दोनों मिल करके कितना कर देगा, देखिए 32 पेज 48 पेज 80 पेज कर देगा, ये कितना देर में 80 पेज दोनों में कितना घंटे में कर लेता है 6 घंटे में कर सकता है, यानी कह सकते हैं कि 80 पेज के लिए समय कितना लग गया आपका, लग गया 6 घंटा, इसीलिए हमको 110 पेज के लिए कितना टाइम लेगा, तो लेगा 6/80 और गुना 110, यानी हो जाएगा सुना सुना तो कट जाएगा, 2 × 6 × 2 = 8 यानी 11 × 33/4 यानी 11/33/4 घंटा हो गया, और यही हो गया 8 × 32 1/4 यानी कह सकते हैं 8 घंटा, और 1/4 का मतलब होता 15 मिनट, ये सब आपको समझना होगा, 1/4 घंटा मतलब कितना मिनट 15 मिनट, तो 8 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और बात मेरी समझ पाते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी काम को, एक आदमी मानते ए है, 9 दिन में कर सकता है, और उसका पुत्र की सहायता से, मतलब ए तो है ही साथ ही साथ उसका सन भी मिल करके 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो बोलता है पुत्र अकेले कितना दिन में करता है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9 × 6 कैल्शियम कितना होता है 18, इसका क्षमता हो जाएगा 2, इसका क्षमता हो जाएगा 3, यानी कह सकते सन कितना करता है, सन कितना टाइम में कर लेगा, तो हो जाएगा 18 काम था, और क्षमता हो जाएगा इसका 1, यानी 18 दिन में काम पूरा कर लेगा अकेला। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि A+B मिलकर यानी 6 दिन में कर सकते हैं, और बी अपने आप कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी ए बोलता अकेला क्या होगा, तो एकदम बहुत ही आसान है, ये आप लोग घर में बनाइएगा, एकदम आसान है, बना ही लीजिएगा। देखिए मैं डाटा में दे दिया, अब आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा कमेंट करके बताइएगा। 19 नंबर बोल रहा है कि ए अलग 12 दिन में कर सकता है, बी जो है 24 दिन में कर सकता है, सी जो है आपका 36 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो एकदम आसान है क्वेश्चन, 12, 24, 36 कैल्शियम 72, यानी इसका 6 क्षमता, इसका 3 क्षमता, इसका 2 क्षमता, 6, 3, 9, 2, 11 निकल सकते हैं, तीनों मिलकर 72/11 दिन में करेगा, यानी हो जाएगा 11 × 66 6 × 6/11 दिन में कर देगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप लोगों को पहले भारी लगता था तो अब हल्का लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक किसी कार्य का 3/4 भाग बोलता है 12 दिन में करता है, तो एक भाग तो हम सिखा ही दिए अभी, एक भाग का मतलब क्या 12, और इसको पलटा के लिखिएगा तो 4/3 यानी कितना हो जाएगा 16 दिन में कर देगा, यही पूछ रहा था क्वेश्चन की वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ए और बी मिलकर ए कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में, ठीक है 15 दिन में, तो बोलता तीनों मिलकर कितना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जरूर बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है, लेकिन फिर भी बता देते हैं 60 हो जाएगा इसका वर्क, तो ये 5 क्षमता, इसका 3 क्षमता, इसका 4 क्षमता, तो टोटल मिलाकर कितना 5 × 8 = 12 12/2 हो गया ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता, कैसे अभी ऊपर हम बता चुके हैं, यानी 6 और 6 कार्य कितना 60, यानी 10 दिन में कार्य पूरा कर लेगा तीनों मिलकर, उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 20 दिन में, ठीक है, और बी उसी कार्य को आपका 40 दिन में कर लेता है, तो बोल रहा है कि बी ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो बहुत ही सिंपल 20 × 40 = 40, तो इसकी 2 क्षमता, इसका 1 क्षमता, दोनों मिलकर के आपका क्षमता हो जाएगा 3, यानी 40/3 कितना हो जाएगा, 40/3 ऑप्शन के अनुसार देखना होगा, तो 40/3 कितना होता है आपका, यानी कितना हो जाएगा, बोलता है दोनों मिलकर कार्य 5 दिन तक कार्य करे, ऐसा बोल रहा है 5 दिन तक कार्य करे, तो देखिये 2, 1, 3 हो गया, ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना हो गया 3,
और 5 दिन कार्य करता है तो कितना हो जाएगा 15। तो बोलता है शेष कार्य, बोल रहा है शेष कार्य कितना रह जाएगा, तो 15 तो कंप्लीट कर दिया 40 में, तो बचा कितना 25, और 25 में 40वां 40 हिस्सा में 25 का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 25 5 8 40, यानी 5/8 कार्य क्या हो गया शेष रह गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, अगर 28 नंबर भी बता ही देते हैं क्वेश्चन और है तो इस प्रकार